छात्रावासों को खुलवाने की मांग को लेकर छात्रवृत्ति एवं आवास भत्ता फॉर्म को लेकर आदिवासी छात्र संगठन धार द्वारा धार डिप्टी कलेक्टर के मालविया को दिया ज्ञापन। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित आदिवासी अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राथमिक स्तर से लेकर कॉलेज तक के छात्रावास कोरोना महामारी के चलते मार्च 2020 से बंद है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी पर भी धीरे धीरे नियंत्रण पा लिया गया और सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीन भी लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में लॉकडाउन खत्म सा हो चुका है। सारी निजी संस्थाएं प्रायः खुल चुकी हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम पिछले 4-5 महीनों से निरंतर चल रहे हैं। प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, कॉलेज एवं स्कूल आदि खोल दिए गए हैं, लेकिन आदिवासी अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास आज दिनांक तक चालू नहीं किए गए। कल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए छात्रावास शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए, किंतु अधिकृत रूप से आदेश नहीं हुए। और आज के अखबार में आया है कि छात्रावास केवल बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ही खोले जाएंगे, बाकी अन्य कक्षाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अभी छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं होगी। जब आज के समय में धार्मिक संस्थान, सामाजिक कार्य, खेल कूद, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, हर वर्ग के संचालन शुरू हो चुके हैं, फिर शिक्षा के संचालन पर रोक क्यों? आदिवासी छात्र संगठन मध्य प्रदेश केजी से पीजी तक सभी छात्रावासों एवं शिक्षण संस्थाओं को खोलने की मांग करता है और आदिवासी विद्यार्थियों के अभी तक छात्रवृत्ति फॉर्म एवं आवास भत्ता फॉर्म का पोर्टल ही नहीं खुला, जबकि अन्य वर्ग के छात्रवृत्ति फॉर्म भर चुके हैं। इस समस्या को लेकर भी आदिवासी छात्र संगठन मध्य प्रदेश 10 दिन के अंदर समस्त समस्याओं का समाधान प्रदेश सरकार नहीं करती है तो आदिवासी छात्र संगठन धरना प्रदर्शन एवं विद्यार्थी आंदोलन शुरू करेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारियां शासन प्रशासन की होंगी। समस्त प्रकार की समस्याओं को लेकर डिप्टी कलेक्टर के मालविया को आदिवासी छात्र संगठन धार द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के दौरान आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री मुकाम सिंह के अलावा धार जिला अध्यक्ष महेश डामोर, धार जिला उपाध्यक्ष राकेश अखाड़िया, जिला सचिव जगदीश डावर, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश बघेल, जिला मीडिया प्रभारी राजू जमरा, पीजी कॉलेज इकाई अध्यक्ष मड़िया बघेल, कॉलेज सचिव अजय चौहान, कॉलेज मीडिया प्रभारी सुनील रावत, नारी शक्ति अंकिता अम्लियार, जान भाई अनीता किरण आदि छात्र छात्राएं सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। धार से मुकेश बघेल की रिपोर्ट।